ते बीजेपी आले दौं सालें दे साढ़े लोकें कोला तालियां बजाई जा दे थालियां बजाई जा दे लोकें कोला थालियां तालियां बजाई जा दे ते मोमबत्ती जगाई जा दे ते आपू जड़े ना ओ लुटने लगे। इहदा मतलब यह है कि सानू की सिर्फ तालियां थालियां बजाने वास्ते रखे आ कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा मैं करप्शन फ्री सिस्टम जो है वो रेता लब्भा दा बजरी लब्भा दी सब लब्भा दा तुसीं लेकिन जिहड़े लोग बेचारे उत्थे संस्कार करन जांदे ना उंदे आसा जगह नहीं रही उत्थे रेत रही गई नहीं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह ने देखो उत्थे नगरोटे दे विच इन्हें आर्मी रूल्स की वायलेशन करी है करोड़ों रुपए का बंगला बनाया था कौन ने पूछा। नमस्कार दोस्तों तुम देखा दे जम्मू परिवर्तन ते मैं जसलथिया दोस्तों तुसें पता इसलै करोना काल चला दा और करोना का एक ऐसा खौफ पैदा कि लोग घरों बाहर नहीं निकली पा रहे लेकिन इन्हें गै पिछले दिनों च एक ऐसा मुद्दा गरमाया जिदे कन्नै मीडिया च वह सुर्खियां बटोरिया ते करोना काल का जड़ा भी है ये दौर है सब भुलीए। मैं गल कराना विक्रम रंधावा हुंदे जड़ा बयान आया तो वह मामला मीडिया च बड़ा गरमाया तो उस मुद्दे पर अज अस गलबात करने राजेश परगोत्रा हुंदे कन्नै जिंदा निक्का नाम राजू है और उनेंगी ज्यादातर इधर दे डिस्ट्रिक्ट सांबा लोग राजू नाम कन्नै गै जानदे ने ते उंदे उंदे कन्नै अस गलबात करने आ ते जानने की कोशिश करने आ उंदे के विचार ने इस बारे च ते राजेश जी के इस मुद्दे बारे तुस के गलागे असेंगी। सारे कोला पहले ते मैं जम्मू परिवर्तन दा और अजय जी तुहाड़ा शुक्रिया अदा करना कि जिन्हें सानू की मौका दिता अपने पोर्टल दे उपर गल करने दा और रही गल तुसें जिहड़ी गला करदे हो कि जिहड़ा त्रै चार दिन का मुद्दा जम्मू कश्मीर दे विच गरमाए दा और सियासत ठंडी पेदी ही सियासत दे विच एक बड़ा एक उथल पुथल जिसी आखदे ने ओह ही आ और वो ऐसी चीज़ हुई जिहड़ी सोची भी नहीं सकदे। हालांकि अस अपोजिशन दे विच हैं अगर राजेश परगोत्रा एक प्रोटेस्ट करी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है ये एलीगेशन लांदा कि भारतीय जनता पार्टी दे जिहड़े लीडर ने वो करप्ट ने तो शायद लोग यकीन नहीं करते लोग आखना है कि ये अपोजिशन दे लोग ने ये रूलिंग वाले भंडा करते हैं ये बदनाम करा करते हैं लेकिन उनके गै MLC चौधरी विक्रम रंधावा जिहड़े BJP दे सीनियर मोस्ट लीडर ने और एक अच्छे कद काठ वाले जिहड़े ने वो पार्टी दे विच संगठन दे विच उनका रुतबा है वह इल्जाम ला दे वो एलीगेशन ला दे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिहड़े ने वो सारे कोला करप्ट ने और डॉक्टर जितेंद्र सिंह और वो शख्सियत ने जिहड़े उधमपुर डोडा पार्लीमेंट हल्के दे विच दो बारी मैंबर ऑफ पार्लीमेंट बने दे और दोनों बारी वो PMO दे विच एक राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें गी मिले दा और PMO वह पोस्ट है जिहड़ा एक बिल्कुल साफ सुथरी छवि वाला बंदा उत्थे बेही सकदा क्योंकि उस ऑफिस दे विच कोई लीकेज हुई आ कोई सिक्योरिटी लीकेज हुई आ कोई बयान लीकेज हुई आ कोई कुछ उहदे पर करप्शन दे चार्जेस लगन तो समझ लेना कि पूरा वर्ल्ड उसी दिखाला हुंदा। बिल्कुल बिल्कुल तो उंदे गै MLC ने उंदे दा पर जिहड़ा इल्जाम लाए ना कि इसलै लोग जिहड़े ने वह दो साल दे इस करोना महामारी की वजह कन्ने परेशान होए दे ने लोग अपनियां जिंदगियां बचाने वास्ते जिहड़े ने वह घरें विच बैठे दे ते BJP वाले दौं सालें दे साढ़े लोकें कोला तालियां बजाई जा दे थालियां बजाई जा दे लोकें कोला थालियां तालियां बजाई जा दे ते मोमबत्ती जगाई जा दे ते आपू जिहड़े ने वह लुटने लगे दे और दोनों दोनों हत्थें कन्नै लुटा दे जम्मू कश्मीर की जिहड़ा इल्जाम लाया BJP दे XMLC चौधरी विक्रम रंधावा ने अपने गै मिनिस्टर दा पर तो इहदा मतलब यह है कि सानू की सिर्फ तालियां थालियां बजाने वास्ते रखे प्रधानमंत्री साहब ने मोदी साहब जिन्हें 2014 जम्मू दे विच एक बड़ी बड़ी रैली दे दौरान यह आख्या हा ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा
बिलकुल इन्हें आख्या ना खाऊंगा ना खाने दूंगा मैं करप्शन फ्री सिस्टम जो है वो लाऊंगा लेकिन अज पूछना चाहने के पैंथर्स पार्टी नहीं आखा दी ए राजेश पड़गोत्रा नहीं आखा दा ए बीजेपी दा एक्सएमएलसी आखा करदा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने करोड़ों रुपए की जी है वो करप्शन किठी की थी अपने पीए कोला अपने पीआरओ कोला अपने एजेंटें कोला और क्रैशरे आने कोला ते फिर बड़े अफसोस की गल है कि हूँ तकर नारी इंक्वायरी स्टार्ट होनी चाहिए लेकिन के वजह ना शायद इनवाल्व ना सारे सारे ए एक नहीं है ना ये पूरी पूरी बीजेपी के इनवाल्व है और आने वाले टाइम दे विच मैं तुहानूं की दावे कन्नै आखना चाहना कि इंदे जिहड़े बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री और भी है ना कैबिनेट दे उंदे उंदे भी घोटाले तुहाडा सामना आने ना जिहड़े इंदे जिहड़े इंदे परिवार के लोग जिहड़े ना जम्मू कश्मीर दे विच आनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने की जिहड़ी ना तैयारियां करा करदे ना तुहानूं की पूरा पता लगी जाना कि यह किन्ने किन्ने जिहड़े ना यह करप्शन दे विच इनवाल्व ना और तंदनी है तानी ही बिगड़ी दी है सारी सारी है और जिन्ना करप्ट बीजेपी की लीडरशिप है इन्नी अजे तक कुदै नहीं है और यह मुट्टा माल माल खाने वाले ने यह कोई छोटे छोटे कोई करप्शन करने वाले लोग नहीं है ये बीजेपी वाले इन्हें चाहिए बड़े बड़े करोड़ों रुपए के घोटाले ये करने वाले लोग ने और इनके घोटाले सामने आने ना और इन्हें इन्हें गै दसने और राजेश जी एक गल होर है मैं ये भी बोलना चाहना कि बड़े बड़े बंदे ये रफेरियां करते हैं लेकिन जो नुकसान है आम जनता ही होंगे अज ट्रालियों का रेता का रेट देखो कुछ ज़्यादा बजरी का रेट कुछ ज़्यादा पैसा खाओ तुस तो भरपाई करा आम जनता कैसी ये सवाल का जवाब तुसें गी देना पौग और इसलै ट्रेंड चला दा इसलै सोशल मीडिया ट्रेंड चला दा कि सीबीआई इंक्वायरी हो देखो बिल्कुल ठीक तुस बिल्कुल अजय जी तुस ठीक आखा दे कि महंगाई का दौर इन्ना ज़्यादा हो कि अज कोला 7-8 साल पहले 2014 कोला पहले पेट्रोल का रेट तुसे दिखी लाओ मेरे ख्याल 55 रुपये 60 रुपये कोला ज़्यादा रेट नहीं है डीजल का रेट दालें का रेट सब्जियों का रेट गैस सिलेंडर का रेट गैस सिलेंडर जिहड़ा वो कम लगभग कोई 400 रुपये का 450 रुपये का हा लेकिन आज 975 रुपये का गैस का सिलेंडर है यानी कि बीजेपी आने उसलै इनेंगी 400 रुपये का सिलेंडर बीजेपी आने इनेंगी आखदे कि बड़ी महंगाई हुई लेकिन आज इंदी सरकार है आज इन्ना ज़्यादा महंगाई इन्नी करी उड़ी है ने आज गरीब जन गरीब आवाम जेड़ा है मीडियम तबके के लोग जेड़े ने वो बिल्कुल मरी चुके ने क्योंकि तुसे देखो आज एक जेड़ा इंसान एक कमरा नहीं बनाई सकता तुस जेड़ा इंदे रेते ना भा देखो अज रेता ट्राली रेते की ट्राली किन्नी है अज एक ट्राली रेता लैना हो 3000 रुपये को घट नहीं मिला बजरी की ट्राली लैनी है अज 5000 रुपये को 6000 रुपये को बजरी ट्राली नहीं मिला करती अज इटा का भा देखो 25000 रुपया जी ट्रक इट हो गई है अज सीमेंट का भा देखो यानी कि बिल्डिंग मटीरियल इन्ना ज़्यादा महंगा करी उड़िया इन्हें खाने वाली चीज़ा इन ज़्यादा महंगी करी उड़ी बीजेपी ने इन्हें तो गरीब की मारिया इन्हें तो गरीब की कुचली रखी अजय जी बड़े दुख की गल है इस गल की कि एक बीजेपी का MLC एक्स MLC एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दा और शरेआम एक इंप्लाई की शूट करने की जी चैलेंज करा दा एक धमकी दिया दा उसी गोली मारने की धमकी दिया दा और उसी जलाने की धमकी दिया दा इंप्लाई की लेकिन अज तकर जम्मू कश्मीर की पुलिस जी वह खामोश क्यों है अस डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री दिलबाग सिंह जी पूछना चाहते हैं कि अज तुसें ओदे उसी अरेस्ट क्यों नहीं किया भाई कि क्योंकि वह बीजेपी का जड़ा है वह लीडर है एक बीजेपी का MLC ओदे वास्ता कानून बखरा ते लोकें वास्ता जो शरीफ लोकें वास्ते बखरा ये जिन्हें करोना बिच इं कोई बाहर निकला है तो पुलिस उसी मारी मारी है तो बेहोश करी उड़ती है
उत्ते जे एक गोली मारने की धमकी दिया था शरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करिया उहदे कोल बड़ा एविडेंस के चाहिए पुलिस की और सीबीआई की इनकुआरी होनी चाहिए जिहड़ी उन्हें आखी एक जिहड़ियां गल्लां उन्हें आखिया उन्हें अपनी पार्टी का पर इल्जाम लाया कि करप्शन होई दी है इनकुआरी होनी चाहिए है वो तो सो मोटो भी अपने थ्रू भी देना चाहना क्योंकि मैं चार पांच स्टोरियां चलाई चुके हैं ये फिर मतलब कि तुसें रेता लब्भा दा बजरी लब्भा दी सब लब्भा दा तुसें लेकिन जेहड़े लोग बेचारे उत्थे संस्कार करन जांदे ना उंदे आसा जगह नहीं रही उत्थे रेत रही गई नहीं तुसें मैं एक चीज दस्सी ना कि इत्थों दे लोग जेहड़े संस्कार करदे ने वो हरिद्वार नहीं जांदे हन क्योंकि इत्थे वो देवकी गंगा मां मंदिर ने और गंगा मां इत्थे पवित्र गंगा मां इत्थे गै और वो जो फुल ने उत्थे चुनिया बिच दब्बी उड़दे ने गल्ल तुहानू सुनाना चाहना अजय जी तुस आखदे ना कि शमशान घाट तो वो आने वाले टाइम के बिच शमशान घाट रौने की नहीं है ना क्यों क्योंकि इन्हें बीजेपी के लीडरें खड्डा नहीं छड़िया इन्हें सरकारी जमीन नहीं छड़िया इन्हें फॉरेस्ट लैंड नहीं छड़ी इे बीजेपी के लीडर ने जिन्हें फॉरेस्ट लैंड के उपर बड़े बड़े बंगले बनाए दे तुहाडे डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह ने देखो उत्थे नगरोटे इन्हें आर्मी रूल्स की वायलेशन करी है करोड़ों रुपए का बंगला बनाया था कुसै ने पूछा इंदे गै एमएलए फार स्टेट लैंड उपर कब्जे किए थे इंदे बीजेपी के दफ्तर जिहड़ा सांबे दे विच खड्डा विच बनाए दा और करोड़ों रुपया जिहड़ा सीडीएफ का पैसा उत्थे लाए दा इन्हें अपने बीजेपी के दफ्तर पर और जम्मू कश्मीर दे विच 20 डिस्ट्रिक्ट ने इन्हें 20 दे 20 आफिस बनाए दे एक करोड़ों रुपया कुत्थों आया जिहड़ा पीएम केयर फंड दे विच जिहड़े लोग डोनेट करा दे अस तुस जिहड़े खून पसीने की कमाई जिहड़ा आ डोनेट करा करने कि करोना महावारी दे वजह करने तुस आक्सीजन खरीदो आक्सीजन सिलेंडर खरीदो तुस दवाइयां खरीदो तुस मास्क खरीदो लोकें गी सैनिटाइजर दो लेकिन इन्हें पैसा जिहड़ा है बीजेपी आले अपने दफ्तर बनाने पर लाई जिहड़ा करोड़ों रुपए और करोड़ों रुपए का सीडीएफ का पैसा खड्डा बिच जिहड़ा बनाया दा सांबे दे विच इन्हें दफ्तर उत्थे लाया किस कैपेसिटी कन्नै लाया वह तो लोगों का पैसा सीडीएफ का पैसा लेकिन अज तक असें इन्ने बारी आवाज चुकी क्या उधर भी इनकुआरी की की नहीं की क्योंकि वह बीजेपी का दफ्तर है प्रशासन मिले दा उंदे कन्नै यह साबित होंदा लेकिन लोग बोली आ करदे प्रशासन चुप करिए बैठे कि जी जूरी करनी ने आईएएस जिन्हें आईपीएस अफसर जेहड़े ने 12 दे इत्थे लाए दे ना वह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कन्नै लुटने वास्ते लगे दे इन्हें साड़ा कोई फिक्र नहीं है इन्हें साड़ी कोई चिंता नहीं है और बीजेपी ने इक्कै धैया कर लेदा कि जिन्नी देर तक जम्मू कश्मीर के लोग भलेआं मारी नहीं उड़गे इन्नी देर तक इन्हें इंदा इन्हें ठंड नहीं पौनी। मैं तुहानूं सुणाना कि जिहड़े काम इसलै एलजी प्रशासन ने करने चाहिए है मिगी इ'यां लग्गा करदा कि बीजेपी आले मनोज सिन्हा साहब जेहड़े एलजी ने जम्मू कश्मीर ड्यूटी दे उन्हें भी नहीं चलन दिया देना उन्हें भी अपनी उंगलियों पर नचाए दा जेड़ा बीजेपी आले जो चीज़ आखन वह करी उड़दे लेकिन उन्हें भी ट्रांसपेरेंट तरीके कन्नै इत्थें अपना जिम्मेवारी कन्नै काम करना चाहिए हा। दोस्तों तुस दिखी ला रहे हो कि तुस असें पत्रकारें आ दे हो मैं बड़े बारी कमेंट बॉक्स दिखना कोई आदा कोई बीजेपी का दलाल कोई ये कोई एनसी का कोई पीडीपी का लेकिन एक गल मैं दस्सी ना अस पत्रकारिता करने जरा गलत करग ओहदे उप्पर अस बोल गए कल ये पैंथर पार्टी दे खोते अगर कल पैंथर पार्टी कुछ गलत करती है अस इंदे पर भी पूछना बिल्कुल ठीक है और के अस सारे पर गलबात करनी है अस कुसे एक मुद्दे पर लेइए नहीं चलने और अगर अज डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर गल आई है तो उन्हें सामने आई है अपनी बयानबाजी देनी चाहिए और एक जी अजय जी मैं स्पष्ट आखना चाहना कि जेडी ये मैं तुहानू आख लगा जी गल ये जिन्नी देर तक यह चीज़ नहीं होग ना असें इन्नी देर तक हूँ चुप नहीं हो पाना असें इंदे घर का खराब करना है वो की क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह दा पर लगे दे जेडे एलीगेशन ने करप्शन दे जेडे इंदे गै एमएलसी ने लाए ना असें नहीं लाए उन्हें लाए जेडे लगे दे ना करप्शन चार्जेस जिन्नी देर तक नाड़ी सीबीआई इनक्वायरी नहीं करा जिन्नी देर तक नाड़ी कोई एसीबी इनक्वायरी नहीं करा क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट अफसर दे इनक्वायरी अफसर लाने करने ये मसला हल नहीं होने वाला क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर दे ऑफिस का मसला है आज मोदी साहब जवाब देना जम्मू कश्मीर दे लोकें की जेडे तुसें लोकें कन्नै वायदे कीते ना कि मैं ना खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा अज मोदी साहब थोड़े मंत्री लुट्टी जम्मू की
अज तुहाड़े आफिस दे विच बैठे दे तुहाड़े जिहड़े डॉक्टर जितेंद्र सिंह उन्हें जम्मू कश्मीर की लुटिया तुहाड़े गै बीजेपी दे XMLC और एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर आखा दे इहदी इनकुआरी जिहड़ी है इहदी इनकुआरी एक डिस्ट्रिक्ट अफसर नहीं कर सकदा एक केंद्रीय मंत्री दी इनकुआरी जिहड़ी है एक डिस्ट्रिक्ट अफसर करा PMO दी एह के मजाक है एह केड़ा ड्रामा करा दे एह के लोकें तुसीं दस्सा दे हो एह चीजां नहीं चलनियां इत्थे इनकुआरी होएगी CBI दी होएगी और इन्नी देर तक इनकुआरी भी नहीं होनी चाहिए जिन्नी देर तक डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मोदी साहब कुर्सी को बाहर नहीं करेंगे इत्थे प्राइवेट सैक्टर के 99% 12 के लोग आए हैं और जिन्ना इसलै 370 के हटने का बार जिन्ना गंद BJP ने पाया ना इत्थे ठेकेदारी का जिन्ने भी क्रिमिनल लोग है ना 12 के बड़े बड़े क्रिमिनल लोग बड़े बड़े बदमाश उन्हें आनी इतने ठेके ले देनिया साढ़े आले लोग बेचारे खजल हुआ दे साढ़े छोटे छोटे ठेकेदार बेचारे वो कुत्थे जांगन में दसो हूँ उन्दे अगे काम करना साढ़े आले क्योंकि उन्हें इन्हें बनाई उड़ा बड़ा ठेकेदार वह कियां बनया बड़ा ठेकेदार कोई जितेंद्र सिंह ने भेजा कुसा ठेका लेइया कुसा ना कोई अमित शाह ने भेजी उड़ा कुसा भाई जा तू मेरा बंदा तू जाइया एड़ा काम कर तू शराब वाला काम तू कर तू जरा टोल प्लाजे आला तू कर गड़करी ने आखिया टोल प्लाजे तू कर सारे सारे बारह दे ते सारे आले जेड़े ठेकेदार बने दे बड़े बड़े हूँ उन्हें उन्दे अगे काम करने मतलब कि सारे जेड़े बेचारे इधर जम्मू दे ने लिफाफा पैक करने वास्ते बिल्कुल ओ शुक्र करो कि इन्हें आपे लाए दे इल्जाम और अज ये छप्पिए बेहिए दे अज इं BJP आले जम्मू कश्मीर की BJP इं नहीं इं गुम होई दी जिंया आखे इं सप्प सूंगी होने की इन्हें लब्भा दे भी हैं इतने जुंटक नहीं आता BJP का इं लगा इतने जुंटक नहीं आता तो हूँ के करा दे बंगाम ममता बनर्जी इतने प्रोटेस्ट करा दे उन्हें आख्या रस्सी जल गई पर बल नहीं गया है अरे लेकिन वह नहीं जा दी इनकी इनख नहीं जा दी भला शर्म करो थोनू कि इन्हें एक जनानी ने रहाइया थोनू कि नठाई उड़ा थोड़े 70 जेड़े ना वो सांसद है 200 इनके लीडर गए हैं चीफ मिनिस्टर 11 चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इन्हें डेरा लाई लिया उत्थे और इन्हें 1000 रैलियां की बंगाल दे विच फिर भी शर्म नहीं आवा दी इन्हें कि इस इन्नी बुरी धारा इन्हें रहाइया भेजा क्योंकि BJP आने की हार नहीं पचा दी अजय जी इन्हें की हार नहीं पचा दी है क्योंकि ये जेड़े जम्मू कश्मीर दे विच इंदे घोटाले निकला दे ना करप्शन दे चार्ज लगा दे ना ये उंदा ध्यान डाइवर्ट करने वास्ता ये इत्थे हुण करी आ दे दो बंदे लई आ दे जे पंपलेट फड़क लांदे कि मारे ममता बनर्जी ते सरकार केंद्र दे विच तुहाड़ी सरकार प्राइम मिनिस्टर तुहाड़ा तुसीं प्रोटेस्ट कोहदा खिलाफ करा दे हो तुसीं के लैणा उत्थे पश्चिम बंगाल कोला जम्मू कश्मीर आले इंदे दसो इंदे जुंट ने इंदे कोला आक्सीजन पूरी नहीं होआ दी इंदे कोला सिस्टम चला दा नहीं है अस्पताल इंदे कोला सलमोहा दे नहीं है ना पेशेंट इंदे कोला सलमोहा दे नहीं है ना सिचुएशन इंदे कोला कंट्रोल नहीं होआ दी है कोरोना महामारी दी वजह कन्ने रोजा दे सैकड़ा लोग मरा करदे ना ओ इंदे कोला कंट्रोल नहीं आदे जे इह नुहाड़ा खिलाफ प्रोटेस्ट करी आदे ममता बनर्जी दे खिलाफ इह किहड़ा जी साडे कन्ने गल्लबात करने आ तुसीं बड़ा बड़ा शुक्रिया दोस्तों मैं गल अपनी जिहड़ी खत्म कराना ओह राजेश जी हुंदे इक लाइन पर खत्म करना कि राजेश होरां आख्या हा कि जिहड़ा सिलेंडर है उहदी महंगाई मतलब कि आसमान छूआ दी है मतलब कि 800-900 रुपए का सिलेंडर है तो जो गरीब बेचारा दिहाड़ीदार है उन्हें बालन नहीं फूकना तो के फूकना फिर जिसलै वह बालन फूके तो प्रदूषण फैला तो कुत्थों लै 800-900 रुपया कुत्थों लै 1000 रुपया एक सिलेंडर भराने वास्तै उन्हें बालन नहीं फूकना तो के फूकना इस बारे भी सोचना चाहिए तो दोस्तों देखते रहो तुस जम्मू परिवर्तन मेरे कन्नै माझे साथिया फिर मिलना थोड़े कन्नै किसी अगली रिपोर्ट कन्नै धन्यवाद दोस्तों।